वादग्रस्त बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना आपल्याकडे 25 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती असा खळबळजनक आरोप प्रसिद्ध कार डिझायनर दिलीप छाबरिया यांनी केलाय. परमबीर सिंग यांच्या नावानं वाझेनं खंडणी मागितली होती असं सांगतानाच आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात नोंदवून तुरुंगात टाकण्यात आलं असंही छाबरिया म्हणाले. त्यांच्याशी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर यांनी. प्रसिद्ध कार डिझायनर दिलीप छाबरे आपल्यासोबत आहेत. सर, आपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है जिसमें आपने कुछ आरोप लगाए, क्या ये आरोप है और क्या आपको कहना है? देखिए, ये हमारे हिसाब से आरोप नहीं है, हमारे हिसाब से तो फैक्ट है. क्योंकि मेरे को डिपार्टमेंट ने, CIU ने 28 दिसंबर को अरेस्ट किया था विदाउट एनी समन्स, विदाउट एनी नोटिस. और मेरा बैकग्राउंड देखते हुए, यानी अभी तो वेल इस्टेब्लिश हो गया है कि सचिन वाझे एक्सट्रॉशन रैकेट में इन्वॉल्व था. तो यही, कोई भी कंप्लेंट जाता है उसके पास, वो कंप्लेंट रजिस्टर करता है और अरेस्ट करता है. और ये शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि नॉट ओनली जो उसने किया, अगर कंप्लेंट सच था तो मैं समझ सकता हूँ. अभी कोर्ट बेल ऑर्डर ने प्रूव कर दिया कि ये सब गलत थे. वो 400 कार्स का जो स्कैम था, 100 करोड़ का स्कैम था, किधर गया? एक कार भी नहीं है. एक कार है लेकिन उसका स्कैम नहीं है, क्योंकि उसका हमने फाइनेंस कंपनी को पेमेंट कर दिया था बहुत साल पहले. तो ये हमने लेटर इसके लिए लिखा ताकि ये जो हादसा हुआ है वो दूसरे लोगों से साथ साथ नहीं होना चाहिए. अगर मेरे जैसा आदमी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक स्टॉलवर्ट है, जो हमने मार्केट क्रिएट किया है, हम 30 साल से हमारा ब्रांड है, उसको आप लेके हरेस करते हैं. तो ये आप कह रहे हैं कि आपको हरेस किया गया, तो क्या हरेसमेंट हुआ था, क्या कुछ आपसे डिमांड किया गया था जिस तरह से आपने लेटर में उसका जिक्र किया? तो हरेसमेंट ये था कि हम आपके अगेंस्ट 15 FIR दर्ज करेंगे, 2 साल आप अंदर रहेंगे, हमको 25 करोड़ चाहिए. और जब मैंने बोला हमको 25 करोड़ है नहीं, हम देने के लिए है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, हमने तो इंडिया को प्राउड किया है. बट सचिन वाझे बिंग सचिन वाझे, उसको मांगता ही है फिनिश. तो इसके लिए वो हरासमेंट ऐसा होता था, नहीं नहीं हमको तो चाहिए, हम तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे. हालांकि मेरी सिस्टर को एंटी सिमिट्री बेल था, उसके बावजूद उसने अरेस्ट किया. उसने फिर रियलाइज़ किया कि ये गलत हुआ है, उन्होंने रियलाइज़ किया, उनको पता भी नहीं था. उसके बाद उन्होंने वो कपिल शर्मा के केस में ट्रांसफ़र किया जिसमें वो अक्यूज़ थी नहीं. तो ये सब चल रहा था. तो ये हरासमेंट ये था कि एक आदमी को आप डराएंगे कि आप ये पैसा नहीं दोगे तो ही हम करेंगे आपसे. और उसके वजह से उसने 3 FIR तो किया. अगर वो अरेस्ट नहीं होता था तो आज शायद मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता था. 2 साल तो अंदर रखता था वो, जब तक मैं उसको 25 करोड़ नहीं देता था. ये जो डिमांड थी वो किसने आपसे की थी? सचिन वाझे ने खुद की? सचिन वाझे उनके ऑफिस में उनके तीन लोग थे, सचिन वाझे, काजी आयो काजी और आयो होवर. ये तीनों हमेशा साथ में रहते थे और जो भी लेन देन वो बात करते थे सब उन सचिन वाझे के ऑफिस में होता था, खुल्लम खुला. जर्नलिस्ट प्रहलाद शिंदे, देवेंद्र कोल्हटकर, जी मीडिया, मुंबई. ताडोबातल्या वाघिणीची चाल म्हणजे